हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेट एंड टीवी में सत्यम दुबे। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द 2 बजे बजे एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि केवल वो 15 मिनट का सेशन, मैंने आपको क्या कहा, केवल आपका 15 मिनट चाहिए, केवल 15 मिनट, और एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। उस बेहतरीन सेशन में आपको क्या सीखना, बोला कि डेली की स्ट्रेटजी है, केवल आपका मुझे 15 मिनट चाहिए। उस 15 मिनट में आपको मैं डेली देखिए 1 वर्ड कभी मिलता था, कभी आपको इडियम्स फ्रेजेस मिल रहा है, कभी आपको क्या मिल रहा है, सिनोनिम एंटोनिम्स मिल रहा है। मतलब केवल 15 मिनट की स्ट्रेटजी स्ट्रेट 91 पे बना कि वोकैब किसी भी एग्जाम के लिए क्या होता है, रामबाण साबित होता है। तो आप एक दिन में सारी चीज नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर डेली प्रयास करते हैं तो जरूर एक दिन बेहतरीन तरीके से सब कुछ कलेक्ट हमारे पास हो सकता है। तो कॉपी कलम निकाल लेंगे और बेहतरीन तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे इडियम फ्रेजेस है उसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप क्या करिए, लाइव आ जाइए और बेहतरीन तरीके से सेशन स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो एक बार सब लोग थंब इंप्रेशन दे देंगे कि हमारी बातें, आवाजें आप अच्छे तरीके से, सारी चीजें क्लियर है आप सबके बीच में, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप सबके बीच में बताता हूं कि हिंदी की जो आपकी बैच है वो मात्र 999 रुपए में दोस्तों, साथ ही साथ यूपी टेट की जो बैच है वो भी 999 रुपए में। सुपर टेट की बात करेंगे तो 1999 रुपए और 499 में आरओआर की दोस्तों। साथ ही साथ एसएससी जीडी की बात करेंगे तो 699 रुपए में, और वीडियो टॉप मस्ट आपके मॉक टेस्ट हो जाने री एग्जाम के तो उसको भी आप केवल 249 रुपए में टॉप 15 मार्क टेस्ट आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों 7007734525 पे कॉल करेंगे और जल्द से जल्द इस बैच को परचेस करेंगे। आपको मैं बता दूं साथ ही साथ कि बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर वाइज आपके मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे कंटेंट आपको यहां पे मिलते हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए, फिर एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं ईडीएम्स और फ्रेजेस के, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पे ये पहले लिख गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर जो है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या बोला कि टू बर्न्स वन फिंगर, बर्न मतलब एक तरीके से होता है, बर्न मतलब क्या होता है बच्चा बता दीजिए, गम मतलब होता है कि भाई जलाना, क्या होता है बर्न मतलब जलना भुजना होता है। तो लिखा है कि टू बर्न वन फिंगर, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां मैं लिखता हूं टू बर्न वन फिंगर कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि बोलते हैं कि अचानक परेशानी में जाना, अचानक आप समझ लीजिए, अचानक परेशानी में पड़ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि टू बर्न्स वन फिंगर कहने का मतलब क्या होता है, अचानक परेशानी में पड़ना, जो आपके फिंगर्स जलते हुए जानबूझ के तो आप जला नहीं रहे हो तो अचानक परेशानी में पड़ जा रहे, ठीक है ना। डाइन कास्ट कहने का मतलब यार डाइन कास्ट है, मुझे ये काम करना है, मैं अंतिम फैसला ले चुका हूं। तो डाइन कास्ट कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, अंतिम फैसला, क्या होता है अंतिम फैसला। कॉपी किताब कलम निकाल के हमारे साथ अच्छे तरीके से आप नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैन इन द स्ट्रीट की बात करेंगे, एक ऐसा आदमी जो एकदम स्ट्रीट में लाइन में खड़ा या गली में है। मैन इन स्ट्रीट कहने का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी, क्या होता है बच्चा साधारण आदमी होता है, क्या होता है साधारण आदमी, ठीक है ना। अब चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बोला टाल टास्क, टाल टास्क कहने का मतलब लंबी बातें करना, यानी घमंड रूप से लंबी चौड़ी बात करना, या घमंडी, या आप कह लीजिए, आप सीधा सर कह लीजिए कि घमंडी, या तो बोल दीजिए कि लंबी चौड़ी बातें करने वाला, लंबी चौड़ी बातें करना, ठीक है ना, बातें करना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, उसको हम कहते हैं, यहां लिख दे रहा हूं नीचे इसको, ठीक ना, बातें करना, लंबी चौड़ी बातें करना, मतलब टाल टास्क। अब ब्लैक शिप कहने का मतलब, आप ब्लैक शिप कहने का मतलब क्या होता है बेटा, नीच व्यक्ति होता है, क्या होता है बच्चा नीच व्यक्ति, जरा ध्यान से देखिएगा उसका मतलब क्या होगा, नीच व्यक्ति होगा। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ लिख लीजिए, नीच व्यक्ति। अब ब्लैक शिप कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप सेशन को अच्छे तरीके से एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, सभी का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, ठीक है ना, मैं साइड हो गया हूं, इसको अच्छे तरीके से आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले शब्दों पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्या आप सबके बीच में, हैंड टू हैंड कहने का मतलब क्या होता है, भाई हैंड टू हैंड काम करो, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूं, हैंड टू हैंड मतलब आमने सामने होना, जब आमने सामने आप होते हो तब, क्या बोला कि आमने सामने,
आमने सामने कहने का मतलब क्या हो गया, हैंड टू हैंड हो गया, ठीक है। जब बात करते हैं हाई मनी, हाई मनी कहने का मतलब होता है एक तरीके से रिश्वत का धन। क्या होता है भाई? रिश्वत का धन। हाई मनी कहने का मतलब होता है रिश्वत का धन, ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिए। जब बात करते हैं अफेंसिव प्राइस, अफेंसिव प्राइस मतलब ऊंची कीमत होता है, क्या होता है बच्चा? ऊंची कीमत होता है, क्या होता है? ऊंची कीमत, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। जब बात करते हैं हैमर एंड टैंक्स, हैमर एंड टैंक्स कहने का मतलब होता है कि लगन से काम करना, क्या होगा बच्चा? लगन से काम करना, लगन से काम करना, ठीक है ना, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। जब बात करते हैं हैंड एंड ग्लव, ग्लव में ग्लव्स होता है, ठीक है ना, हैंड एंड ग्लव्स मतलब हाथ में हमेशा ग्लव्स लगा रहता है, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती। हैंड एंड ग्लव्स कहने का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता, क्या होता है बच्चा? घनिष्ठ मित्रता, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पे, अच्छे तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको चलते हैं अगले शब्दों पे लेकर, ठीक है ना, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब जो है वो 299 रुपए में, साथ ही साथ 199 रुपए में वीडियो की किताब, जो वीडियो के लिए पेट कॉम्बो बुक आपको 350 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों। पेट के लिए जो बुक है वो 300 रुपए में, साथ ही साथ आर्य आर्य की जो बुक है बच्चा वो 175 रुपए में, लेखपाल की जो कॉम्बो बुक है 300। सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी है, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना नहीं है, घर तक आपकी बुक पहुंचा दी जाएगी। इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन कंटेनर्स में लिखा गया दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अगला आप सबके बीच में लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन कहने का मतलब क्या होता है? एकदम दिखावटी आप उसका स्वागत करें, क्या? कोल्ड रिसेप्शन कहने का मतलब क्या होता है? दिखावटी स्वागत करना, दिखावटी स्वागत करना, कोल्ड रिसेप्शन, ठीक है ना। जब बात कर देंगे ट्रू क्राई वोल्फ कहने का मतलब बेवजह क्राई करना, बेवजह चिल्लाना, बेवजह चिल्लाना, ठीक है ना, नोट करेंगे हमारे साथ, कॉपी कलम लेकर बैठिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्या बोला, अगला बोला लोकोनिक स्पीच, लैकोनिक स्पीच, लैकोनिक स्पीच कहने का मतलब होता है अलंकार रहित छोटा सा भाषण दे रहे हैं आप, क्या बोलोगे? अलंकार रहित छोटा भाषण, अलंकार रहित छोटा भाषण, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जब आप इसकी बात करते हैं अगालाडी, अगालाडी कहने का मतलब होता है आनंद उत्सव का दिन, क्या बोल सकते हैं आप इसको? आनंद, या आप कह लीजिए उत्सव का दिन, उत्सव का दिन, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। जब बात करेंगे दोस्तों कि ब्लू वंस वोन ट्रम्पेट, इसके कहने का मतलब कि अपनी ही बातें कहे जाना, क्या कह सकते हैं आप इसको? अपनी ही बातें कहे जाना, केवल अपनी बातें कहना, दूसरे क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं होना है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चा? उसको कहेंगे blow once on trumpet, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कितने समय में आपको ये 15 मैंने फ्रेजेस सिखाए, तो नोट जरूर कर लेंगे, बगल में हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नितिन सर द्वारा लिखे सारे हैंड रिटन आप सबके बीच में है दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूं, साथ ही साथ अगर हिस्ट्री की बात करता हूं तो एंशियंट भी है, मेडिवल भी है और मॉडर्न भी है, तीनों आप सबके बीच में दिख रहे होंगे दोस्तों। साथ ही साथ बात करेंगे सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, और इसी के साथ साइंस के तीन सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जल्द से जल्द जो भी इंटरेस्टेड होंगे इस बैच को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और इस बुक को भी हैंड रिटन नोट्स जो कि नितिन सर द्वारा बेहतरीन कंटेंट लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो अगला पेज कवर पेज दिख रहा है, थैंक यू का मतलब ये सेशन यही खत्म करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट पाने के लिए 2 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 2 बजे क्या होगा, ग्रामर के कुछ फैक्ट्स लेकर आऊंगा, बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले 2 बजे की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।